गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड लेसन हमने कंप्लीट कर दिया है। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 3 बर्ड्स टॉक। बर्ड्स कैसे बातें करते हैं उसके बेस पे। डू यू थिंक बर्ड फाइंड पीपल फनी? बर्ड्स को हम कैसे लगते होंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस पोयम बर्ड्स को हम लोग फनी लगते हैं। कैसे लगते हैं? फनी। लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड जॉय हैव टू से। तो रॉबिन एंड जॉय जो है वो दो बर्ड्स है। आप बुक ले आओगे तो बुक में बहुत ही अच्छा पिक्चर दिया हुआ है। एक है रॉबिन एंड एक है जॉय। बर्ड स्टॉप, दोनों बातें कर रहे हैं। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जॉय, मतलब सोच रहे हैं दोनों और फिर सोच के दो बातें कर रहे हैं। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, दोनों बैठ के पहले सोच रहे थे, फिर दोनों गार्डन के अंदर बैठे थे और फिर बातें स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, मतलब उनको ऐसे लगता है कि पीपल कैसे बड़े हो रहे हैं, पीपल कैसे आ रहे हैं सारे। तो दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो उनको तो फेदर्स भी नहीं है, वो कैसे है, अलग टाइप के है, हमसे तो बहुत ही अलग है, तो कैसे है ये पीपल। तो वो दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो बड़े कैसे होते होंगे, उनके तो फीदर भी नहीं है, तो कैसे है ये पीपल। दे डोंट ईट बैटल्स, मतलब वो लोग बैटल्स मतलब इंसेक्ट, जैसे बर्ड्स खाते हैं ना, बर्ड्स वेजिटेरियन नहीं होते हैं, बर्ड्स भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे खाते हैं, दैट मीन्स वो नॉन वेजिटेरियन ही है। तो बर्ड्स क्या खाते हैं? बैटल्स। तो मतलब बैटल्स का मतलब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स ही होते हैं छोटे छोटे। तो वो दे डोंट ग्रो विंग्स, उसकी विंग्स भी नहीं होती है, मतलब ये किसके बारे में बात करें? हमारे बारे में, ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन के ना तो फीदर्स है, ना वो बैटल्स खाते हैं, ना उसकी विंग्स है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, उनको हमारे जैसे वायर के ऊपर या ट्री के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, उन लोगों को, ह्यूमन को, पीपल को किसके ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता है। हम वायर के ऊपर बैठ सकते हैं, जैसे बर्ड्स बैठे हैं बैठते हैं तो उसकी तरह हम बैठ सकते हैं वायर के ऊपर? नो, हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारा वो बर्ड्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं जबकि हम हैवी वेट होते हैं। तो हम किसी भी वायर के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे डेली बैठ नहीं सकते हैं। ओके, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जॉय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो वो दोनों सोच रहे हैं कि देखो ये पीपल कैसे लग रहा है, मुझे तो फनी लग रहा है, मतलब दोनों बातें कर रहे हैं। आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे, तो इस तरह से देखा जाए तो पीपल तो फनी है। फनी मतलब जैसे हम लाफ करते हैं ना, किसी जॉकर होता है तो जॉकर ने अलग टाइप का ड्रेसिंग किया होता है, बड़ी सी नोज लगाई हुई होती है, तो उसे देख के हमें मज़ा आता है ना, तो उस टाइप में फनी, तो वो फनी लगते हैं, जैसे मजाक लगता है हमें, उसे देख के ही अपने आप हंसना आ जाता है वैसी चीज़। तो वैसे ही बर्ड लोगों को हमें देख के अपने आप हंसना आ जाता है, फनी लगते हैं हम बर्ड्स को। तो ये पोएम इतनी सी है, मैं वन टाइम फिर से रिपीट कर देती हूँ। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जॉय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो, दे डोंट ईट बैटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जॉय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो बर्ड्स को हम जैसे हमें भी कुछ ना कुछ फनी लगता ही है, जैसे कि कोई पीपल ने ड्रेसिंग इस तरह का किया होता है तो उसे देख के हमें हंसना आ जाता है। वैसे ये गंदी चीज़ होती है, अच्छी बात नहीं होती कि हम किसी के ऊपर हंसे, लेकिन फिर भी हम हंसते ही है, चाहे बड़े हो या छोटे हो।
कोई भी चीज ऐसी होती है तो हमें हंसना आ ही जाता है, तो वो उसी तरह से बर्ड्स को हम लोगों को देख के हंसना आ रहा है हमें, उनको हम लोग फनी लगते हैं, पीपल फनी लगते हैं। अभी यहाँ पे बस इतनी सी पोएम है, लिखी है एलिन फिशर ने। किसने लिखी है ये पोएम? एलिन फिशर ने। ये हमें कैसे पता चलता है? तो बुक के एंड में यहाँ पे उनका नाम दिया होता है। तो ये यहाँ पे न्यू वर्ड मैंने पहले से लिख के रखे हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा ना जाए। फर्स्ट है बैटल्स। बैटल्स मीन्स नेम ऑफ एन इंसेक्ट। बैटल मीन्स बैटल लिया हुआ है इसमें, तो बैटल मीन्स नेम ऑफ एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट का नेम है। सिटिंग मतलब टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, तो सिटिंग हम बैठते हैं, जैसे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में हम बेंच के ऊपर बैठते हैं ना, तो पर्टिकुलर एक पोजिशन है। जैसे स्टैंडिंग तो वो भी एक पोजिशन है, सिटिंग तो वो भी एक पोजिशन है, स्लीपिंग तो हम कहीं भी रास्ते पे या क्लास में बीच में नहीं सो जाते, हम प्रॉपर बेड पे सोते हैं ना, या बेड पे सोते हैं। फिर सिटिंग है तो बैठना है, तो या फिर हम नीचे बैठते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से, या बेंच पे या चेयर पे या सोफे पे, तो वो प्रॉपर पर्टिकुलर सिटिंग होता है, बैठते हैं हम, पोजिशन होती है। वैसे ही वायर थिन फ्लेक्सिबल रॉड, तो वायर जो होते हैं वो ऐसे हार्ड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो मुड़ सकते हैं ना, वो सबने देखे ये, उसके अंदर पतली सी वायर होती है तो वो भी फ्लेक्सिबल होती है, तो थिन फ्लेक्सिबल रॉड। फिर है फनी, कोजिंग लाफ्टर। फनी मतलब हंसने जैसा, कोजिंग लाफ्टर तो हंसने जैसा। जो मैंने आपको बताया कि जॉब करते हैं या ऐसा कोई है तो उसे देख के हमें अपने आप हंसी आ ही जाती है, तो वो है कोजिंग फनी मतलब कोजिंग लाफ्टर, हंसने लायक, हंसने जैसा। ओके, ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट है। ये मैंने न्यू वर्ड लिखा दिए, अभी मैं एक साइड पे हार्ड वर्ड लिख देती हूँ। हार्ड ये हमें लेसन जब भी स्टार्ट करो आप नोटबुक में लिखना प्लीज, एकदम नीट एंड क्लीन, अच्छी हैंडराइटिंग में। देखो मैं अगर बोर्ड पे प्रॉपर नहीं लिखूंगी तो आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, वैसे ही आप अपनी बुक में गंदा लिखोगे तो आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जब भी स्टार्ट करो क्लास वर्क, इस तरह से जब हम नोटबुक में लिखते थे तो ऐसे क्लास वर्क, चैप्टर थ्री है तो चैप्टर थ्री सिर्फ मत लिखो, उसका नाम भी लिखो कि वर्ड टॉप। फिर इस तरह से हार्ड वर्ड, हार्ड वर्ड के बाद न्यू वर्ड एंड फिर देन क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे। आज मैं यहाँ पे हार्ड वर्ड न्यू वर्ड मैंने लिख दिए, अभी हार्ड वर्ड लिखती हूँ। तो रॉबिन, रॉबिन जो नेम है वर्ड का, फिर है जॉय, फिर है सिटी, सिटी थर्ड है गार्डन, गार्डन फिर है टॉपी, टॉपी फिर है पीपल, पीपल फिर ग्रो, ग्रो फेदर्स
लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि मैं अगर क्लास में होते हैं आप लोग तो मैं इसको आपको 5-5 टाइम रीड कराती हूँ, फिर ही मैं नेक्स्ट चीज लिखाती हूँ। जैसे पैटर है तो नेम ऑफ एन इंसेक्ट, पैटर नेम ऑफ एन इंसेक्ट, बैटर नेम ऑफ एन इंसेक्ट, बैटर नेम ऑफ एन इंसेक्ट, बैटर नेम ऑफ एन इंसेक्ट। तो इस तरह से मैं क्लास में 5-5 टाइम रीड कराती थी, जो मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बताया। तो क्या होता है मेन चीज़ कि आपको रीडिंग प्रैक्टिस होती है, कोई स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आती है तो वो मैं स्पेलिंग भी आपको बुलाती थी, उस तरह से मेरा है। तो वो इस तरह से हमें करना है, तो आप भी इसी तरह से करोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा और स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप लर्न कर सकते हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो ये प्रॉपर अच्छे से करना, न्यू वर्ड्स एंड हार्ड वर्ड्स। अभी मैं आज एक ऐसे लिखा रही हूँ, तो ऐसे के लिए आपको एक बुक 100 पेज की अगर न्यू बुक ले लोगे और 100 पेज की बुक में आप ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर अभी नहीं लाओगे तो आप इंग्लिश की बुक में पीछे से ऐसे लिखना, लेकिन अगर अलग बुक रखोगे ऐसे की तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं ये रॉक कर रही हूँ और आज हम लिखेंगे एक ऐसे। ओके, मैं ये राव कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ये लेसन का नहीं है। हार्ड वर्ड्स भी मैं राव कर रही हूँ, आपने लिख आप लिख लोगे। फर्स्ट अभी क्या सीजन चल रही है, हम अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखाते हैं। तो अभी जून जुलाई में कौन सी सीजन चलती है तो उसके बेस पे आज ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऐसे आपका द रेनी सीजन, द रेनी सीजन, हमें कौन सा ऐसे लिखना है, द रेनी सीजन। आपको मैं एक चीज और समझा देती हूँ कि आपकी बुक जो होती है वो 4 लाइन की है आपकी, तो जो कैपिटल लेटर है वो पूरा, जैसे द लिखा मैंने तो द ऐसे पूरा आना चाहिए, फिर और ई यहाँ पर। ओके, लास्ट वाली लाइन यूज नहीं करनी होती है। वन टू थ्री और 4 लाइन है आपकी, तो लास्ट वाली जो लाइन है वो यूज नहीं करनी होती हमें, 2 लाइन थी फिर एच और फिर ई, जो स्मॉल लेटर है वो सिर्फ इतनी मिडल वाली लाइन में ही आएंगे ना, तो आपकी राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगी। और कैपिटल ऊपर से लेके थर्ड और सेकेंड एंड थर्ड लाइन तक होना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस तरह से लिखोगे तो एकदम नीट एंड क्लीन आपका दिखेगा। नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ, द रेनी सीजन, रेनी सीजन being in begins in June and
tempo and ends in September. The sky is full of dark clouds. Full stop. It rained. Sometimes there are stormy. Umbrellas in the rainy season. In the rainy season. Full stop. The roads are full of. Sail them in
हम रेनी सीजन में क्या यूज
करेंगे। ओके, थैंक यू।